खबरों पर जरा गौर फरमाइए। अमिताभ बच्चन इस बात से खासे नाराज हैं कि किसी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनका फेक वीडियो बनाकर डाल दिया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने दिल्ली के एक फैन पर 10 करोड़ रुपए का केस फाइल किया है, क्योंकि कोई उनके नाम की फेक प्रोफाइल बनाकर ऑनलाइन मर्चेंडाइज सेल कर रहा था। हाल ही में विशाल शेखर और शाहरुख खान के बीच की लड़ाई भी मीडिया में तब सामने आई जब विशाल दादलानी ने यो हनी सिंह का सोशल नेटवर्किंग साइट पर जमकर मजाक उड़ाया। सलमान खान ने अपने कोर्ट केसेस की एक एक डिटेल देने के लिए सोशल मीडिया में खुद ही एक वेबसाइट शुरू कर दी है। हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट पर शोभा डे के मुंबई को लेकर एक कमेंट से पूरे मुंबई में एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया। शाहरुख खान ने अपना ट्विटर अकाउंट अब छोटे गांव, शहर और कस्बे हर जगह पहुंचा दिया है। अनिल कपूर इस हफ्ते फाइनली सोशल नेटवर्किंग साइट पर आ गए हैं। कुछ लोगों को मैं फॉलो भी कर रहा हूं, तो वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या ओपिनियन है। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 के प्रोमो को सोशल मीडिया में पहले ही 4 दिन में 40 लाख व्यूअर्स ने देखकर एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। शाहरुख खान ने भी सलमान को गले लगाने के बाद अपनी फीलिंग सबसे पहले ट्विटर पर जाकर ही शेयर की। पर्सनल लाइफ को आपने खुद ही ट्विटर पर डाल दिया था, तो वो क्या था, मतलब ट्विटर पे आपने अपनी भावना व्यक्त की थी जब सलमान से आप मिले थे, तो वो क्या था? तुम्हारा टेक है कि तुम मेरे ट्विटर को जैसा मर्जी पढ़ो, लेकिन कमाल है यार। लेकिन सर, आपने कहा पर्सनल लाइफ है और उसके बाद ट्विटर पे आके तो वो पर्सनल लाइफ, तो मेरी पर्सनल लाइफ है ना, जो मर्जी करूं, मेरा ट्विटर मेरे बाप का ट्विटर है। बॉलीवुड की इन सभी खबरों पर आप गौर करेंगे तो आपको एक बात कॉमन नजर आएगी, और वो है स्टार्स पर सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा या बुरा ये बहस तो बाद में करेंगे, लेकिन लड़ाई से लेकर एक दूसरे की पढ़ाई तक, प्रमोशन से लेकर डिमोशन तक, वर्क, पर्सनल लाइफ, बेडरूम सीक्रेट्स, फीलिंग्स, लव, रोमांस, आर्ग्यूमेंट्स, क्लेरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, सब कुछ स्टार्स अब सोशल मीडिया पर ही शेयर कर रहे हैं। देखिए, वर्चुअल स्पेस की एक रियल स्पेस में उसकी एक अहमियत है, क्योंकि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो एक बस क्रिएट होता है जब हमारी फिल्में लगती हैं, तो उसका बॉक्स ऑफिस पे एक गहरा असर होता है। ये हमने एक ट्रेंड पिछले सालों में देखा है। बड़ा सवाल, आखिर सोशल मीडिया इतना बड़ा कैसे बन गया, ये बहस तो हम पिछली बिग स्टोरी में कर चुके हैं। आज की बिग स्टोरी में हम करेंगे आगे की बात और जानेंगे कि सोशल मीडिया का ये क्रेज बॉलीवुड को किस ओर ले जा रहा है, इससे बॉलीवुड को फायदा है या फिर नुकसान। एक डिबेट के साथ खोजेंगे इसका जवाब। आप सिर्फ टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए और देखते रहिए बॉलीवुड बिग स्टोरी।